दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आपने इंस्टेंट ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वैलिड डेट बता रहा है, तो अब उस पैन कार्ड को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों जहां से आपने अपना इंस्टेंट ई पैन कार्ड अप्लाई किया था आपको उसी साइट से उसे डाउनलोड करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही incometax.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे, दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंस्टेंट ई पैन कार्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गेट न्यू ई पैन और चेक स्टेट या डाउनलोड पैन। तो हमें सेकेंड वाले ऑप्शन चेक स्टेट या डाउनलोड पैन पर क्लिक कर देना है, यानी कंटिन्यू कर देना है। अब जो आपका आधार नंबर है उस आधार नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं आधार नंबर को भर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड है यहाँ पर लिखा आ रहा है पैन अलॉटेड सक्सेसफुली। अब इस पैन कार्ड को हम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे डाउनलोड ई पैन और व्यू ई पैन, तो हम डाउनलोड ई पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके बता देता हूँ और ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यह पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे कर लेते हैं ओपन। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है क्योंकि यह पासवर्ड लॉक्ड फाइल है, तो हमें यहाँ पर जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसे बिना किसी स्पेस या कोई साइन दिए हुए सिंपल ऑर्डर में हमें लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद है आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा पैन कार्ड है ई पैन कार्ड इस तरह से हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है और हमें मिल चुका है। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और यहाँ नीचे की साइड आप देखेंगे तो इसे कट करके आप लेमिनेशन करवा के कार्ड के रूप में अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।